गुजरात चुनाव के तहत कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुंबई हमले के दो साल बाद 2010 में जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लश्कर के बारे में उनकी राय पूछी गई, तो उन्होंने उस पर जवाब न देते हुए हिंदू आतंकवाद को बड़ी समस्या बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा कि लश्कर हिंदू आतंकवाद से भी कम खतरनाक है। 26/11 के हमले के बाद भी उन्हें लगता था कि लश्कर ए तैयबा खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल ने इंडियन आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने खून की सौदागरी का आरोप लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और सलाहकार इवांका ट्रंप भारत पहुंच गई हैं। इवांका करीब सुबह 5 बजे हैदराबाद पहुंची। यहां वे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इवांका ने भारत आकर कहा कि दोनों देश साथ में मिलकर काफी काम कर सकते हैं। दोनों देश साथ में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इवांका ने यहां पहुंचकर ट्वीट किया, शानदार स्वागत के लिए शुक्रिया। वो हैदराबाद में पहुंचकर काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद मेट्रो रेल के उद्घाटन के बाद मेट्रो 29 नवंबर से शुरू होगा। पहले चरण में नगोल और मियापुर के बीच 30 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई। इस मार्ग में 24 स्टेशन होंगे। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के टी रामा राव ने कहा कि शुरुआत में मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। यात्रियों की संख्या और मांग को देखते हुए समय को सुबह 5:30 बजे से रात 11 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने इसे सबसे नवीन परियोजना और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की बनी सबसे लंबी मेट्रो रेल परियोजना बताया है। राव ने कहा कि सभी मेट्रो में शुरुआत में 3 डिब्बे होंगे। यात्रियों की संख्या के मद्देनजर डिब्बों की संख्या को बढ़ाकर 6 किया जाएगा। इंडोनेशिया द्वारा बाली में ज्वालामुखी चेतावनी उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वो स्थिति पर नजदीक से नजर रख रही हैं और वहां भारतीय मिशन भारतीयों को मदद मुहैया कराएगा। बाली में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने वहां फंसे भारतीयों को हर प्रकार की मदद मुहैया कराने के लिए शहर के हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क खोला है। सुषमा ने कल ट्विटर पर कहा कि बाली में मौजूद भारतीयों कृपया चिंतित नहीं हो। जकार्ता में भारतीय राजदूत प्रदीप रावत और महावाणिज्य दूत सुनील बाब अपना काम कर रहे हैं और मैं इस पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रही हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पिछले 1 महीने से अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में हैं। अब उन्होंने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो पीओके में तिरंगा फहराने की बातें करने से पहले श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर दिखाएं। फारूक के इस बयान पर भाजपा आक्रामक हो गई है। पार्टी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अलगाववादियों और आतंकवादियों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि लाल चौक सहित राज्य के हर हिस्से में तिरंगा फहराया जा रहा है। गुजरात चुनाव को लेकर जारी शब्द बांट के बीच कांग्रेस के सीनियर नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी का अभियान उनके खुद के और अतीत के बारे में है। यह अभियान गुजरात और गुजराती लोगों का कथित रूप से अनादर है। क्या वो भूल गए हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं? उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी, निवेश की कमी, स्थिर निर्यात और कीमतों में वृद्धि के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास वास्तविकता का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग के नोटिस के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के आला नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। लेकिन अब इस मामले में केजरीवाल की पत्नी और पूर्व राजस्व अधिकारी सुनीता केजरीवाल ने भी आपका बचाव किया है। सुनीता आमतौर पर पार्टी के मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि आपका ऑफिस गैर कानूनी, आपका डोनेशन गैर कानूनी, अब जनता केंद्र शासित बीजेपी को गैर कानूनी करेगी, इंतजार कीजिए। नोटिस के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा था, आईटी विभाग ने हमें दान के रूप में मिले रुपए को गैर कानूनी घोषित किया और इसे कर योग्य आय की श्रेणी में रखा, हालांकि हमने दानदाताओं से प्राप्त प्रत्येक पैसे का हिसाब रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा घटाए जाने के मुद्दे पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। सोमवार को लालू समेत उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे।
अब इस मामले पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार ने भी पलटवार किया है। नीतीश ने तंज कसते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जेट प्लस और एसएससी को मिली सुरक्षा के बावजूद केंद्र सरकार से एनएसजी और सीआरपीएफ के सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता के जरिए लोगों पर रौब गांठने की मानसिकता साहसी व्यक्तित्व का परिचायक है। नीतीश से पहले डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी सुरक्षा कम करने को लेकर बिहार सरकार और बीजेपी का बचाव कर चुके हैं। उनका कहना था कि यह फैसला गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है और राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे। अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी किया है। कॉमन कॉज एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के खिलाफ की गई है, ऐसे में सरकार के इस फैसले को रद्द किया जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पार्टी की कमान संभालते ही पार्टी में काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बदलाव में दो भाई एक बार फिर साथ आ सकते हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद और राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस पर फैसला राहुल को लेना है। आगरा के कई स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की माने तो वरुण को बीजेपी उनके कद के मुताबिक इज्जत नहीं मिली है। पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया गया है, उनमें मुख्यमंत्री बनने की क्षमता थी। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने संयुक्त राष्ट्र में याचिका दायर कर कहा है कि आतंकियों की लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाए। हाफिज के संगठन जमात उद दावा की तरफ से यूएन में इस बाबत एक याचिका लगाई है जिसे लाहौर की एक कानूनी फर्म के माध्यम से दायर किया गया है। आपको बता दें कि जमात उद दावा के सरगना सईद को संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2008 में हुए मुंबई हमलों के बाद यूएनएससीटी के तहत दिसंबर 2008 में आतंकी घोषित किया था। हाफिज सईद को हाल ही में नजरबंदी से रिहाई मिली है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है। मंगलवार की सुबह दिल्ली वासियों का सामना ठंड के साथ साथ स्मॉग से भी हुआ। मौसम विभाग ने हवा की क्वालिटी को वेरी पुअर करार दिया है। दिल्ली में बीते कुछ दिन तक तो ठीक रहे लेकिन एक बार फिर से यहां के हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्मॉग की चादर छाने से सोमवार रात को कई इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर 5 से 6 गुना ज्यादा तक बढ़ गया। बताया जाता है कि अगले कुछ दिनों में अगर न्यूनतम तापमान थोड़ा सा भी और नीचे गिरा तो स्मॉग की चादर जमीन को छूने लगेगी और लोग सीधा इसकी चपेट में आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में तीसरी बार फिल्म पद्मावती पर रोक लगाए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों और अन्य को भी फटकार लगाई है जो बिना फिल्म देखे इसके बारे में बयान दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में बैठे लोगों को ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर बिना फिल्म देखे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग इसको लेकर बयान क्यों दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार पदों और पब्लिक ऑफिस में बैठे लोगों की बयानबाजी फिल्म को लेकर बंद हो क्योंकि ये सेंसर बोर्ड के दिमाग में पक्षपात पैदा करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानून के राज्य के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मार्कल से शादी करने का फैसला किया है। यह खबर को शाही बयान से जगजाहिर हो गई है। राजकुमार को यह भी विश्वास है कि मेगन ढेरों दबाव के बावजूद नई शाही भूमिका में बेहद शानदार रहेंगी। टीम इंडिया के धुरंधर टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को 2 पायदान चढ़कर ताजा आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान पर हैं। पुजारा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 143 रन बनाए और वहीं दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इससे पहले मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रांची टेस्ट में वो रैंकिंग में चढ़े थे जबकि आखिरी बार अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के बाद फिर यहां पहुंचे थे। पुजारा 22 अंक लेकर अब करियर के सर्वश्रेष्ठ 888 अंकों के साथ चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। कप्तान विराट कोहली उनसे 11 अंक पीछे 5वें स्थान पर हैं। कोहली ने 62वें टेस्ट में 5वां दोहरा शतक जड़ा और अब 817 से 877 अंक लेकर 5वें स्थान पर हैं।